चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं एम चक्रवर्ती आपका अपना चैनल सर्किल पॉइंट पे आप लोगों का दिल से स्वागत करता। आज हम लोग आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज टेस्ट लेकर आए हैं। हम लोग पिछले 4-5 क्लासों में जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सीरीज टेस्ट शुरुआत कर रहे हैं। सभी परीक्षाओं में, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या और भी जो एग्जाम लिए जाते हैं, सभी परीक्षाओं में इस चैप्टर से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षा हिंदी में कहते हैं इसे। क्या है, क्या कहना चाहता हम लोगों से, सीरीज का अर्थ क्या होता है? तो किसी विशेष समूह में स्थित अंक डिजिट के सुव्यवस्थित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। इसमें हम लोगों को एक पैटर्न विकसित करना होता है और उस पैटर्न विकसित करने के बाद देखना होता है कि संख्या किस रूप से आगे बढ़ रहा है या किस रूप से घट रहा है। तो सीरीज में हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें लगभग 1 से 40 तक का पहाड़ा, 1 से 40 तक का स्क्वायर और लगभग 1 से 20 तक का क्यूब अगर याद है तो सीरीज टेस्ट बनाने में हम लोगों को काफी सुविधा मिलती है। ऐसे तो बंद हो जाएगा लेकिन ये सवाल थोड़ा अगर आप याद रखते हैं, पहाड़ा है जिसको आप काउंटिंग कर रहे हैं, स्क्वायर है, क्यू है, तो बनाने में आसानी होगा, आप तेजी से बना सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखा जाए। 720, 504, 336 और 210 पूछ रहा कि आगे घर में क्या होगा, यहां पर क्या करा जाएगा। ऑप्शन 125 है, ऑप्शन 120 है, ऑप्शन 121 है और ऑप्शन 145 है। तो देखिए क्या किया है इसमें। आप जानते हैं 9 का क्यूब 729 होता है और 9 घटा दिया गया तो 720 आ गया। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर किया जाए, 8 का क्यूब किया जाए और 8 घटा दिया जाए तो 504 हो जाएगा। 7 का क्यूब किया जाए और 7 घटा दिया जाए तो 336 आ जाएगा। 6 का क्यूब किया जाए और 6 घटा दिया जाए तो 210 आ जाएगा। तो 9, 8, 7, 6 अगला जो होगा वो 5 का क्यूब -5। तब 5 का क्यूब आप सभी जानते हैं 125 और 5 घट जाएगा अर्थात हमारा आंसर यहां पर 120 सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 0 है, 2 है, 0, 6, 6, 20, 20 और यहां पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसमें कौन सा पैटर्न लागू होगा ये हम लोगों को देखना है। तो आप देख रहे होंगे 1 का स्क्वायर और 1 माइनस कर दिया जाए तो 0 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ले लिया जाए और 2 जोड़ दिया जाए तो 6 आ जाएगा। देखेंगे, ध्यान देंगे, संख्या बढ़ते हुए जाएगा लेकिन अल्टरनेट काम करेगा। देखेंगे पहला माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस, तो 3 का स्क्वायर आप करेंगे और माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस 3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6। अगला क्रम में देखें, माइनस के बाद अगर प्लस होगा 4 का स्क्वायर और प्लस 4 कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर और प्लस 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 4 16 4 20। अगला घर में जो होगा हम लोगों का 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा, तब 5 का स्क्वायर 25 और 5 घटा देंगे तो 20। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब होगा जो प्लस, किसका प्लस होगा,
तो 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 जोड़ेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 42। चलिए कुछ और प्रश्न को देखा जाए, चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं, फिर देखा जाए। 6 है, 3 है, 18 है, 6 है, 5 है, 40 है, 8 है, 7 है, खाली स्थान 10 है, कौन सा पैटर्न विकसित किया जाए कि हम लोगों को इस सब सही सुटेबल एक श्रृंखला में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो आप देख रहे होंगे ये दो का मल्टीप्लाई, 6 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 18, फिर ये दो का मल्टीप्लाई, 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 40, फिर हम लोग 7 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, तो यहां पर हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा 70। चलिए दूसरा प्रश्न देखा जाए, 12, 27, 15, 14, 33, 19, 18, 25, देखेंगे कौन सा इसमें पैटर्न डेवलप आपका होगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें कि दोनों को जोड़ा है और बीच में लाया है, 12 और 15 जोड़ा 27 हो गया, 14 और 19 जोड़ा 33 हो गया, उसी तरीके से 18 और 25 अगर जोड़ा जाए तो 43 होगा। आप लोगों का सही उत्तर 43, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 12, 29, 46, 63। अब इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ 17 का अंतर है, आगे भी 17 का अंतर है, यहाँ भी 17 का अंतर है, जैसे 12 और 29 में 17 का अंतर, 29 और 46 में 17 का अंतर, 46 और 63 में 17 का अंतर, तो अगला 17 का अंतर लाने के लिए हम लोगों को 63 में 17 जोड़ देना होगा, जोड़ेंगे तो 80 हम लोगों का सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए तो कुछ और प्रश्न को लेकर हम लोग कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। सीरीज को बनाने के लिए आप चाहते हैं कि ये आपसे तेजी में बने, पहाड़ा, वर्ग और क्यू याद रखें और एक पैटर्न सोचें कि किस पैटर्न पर वो गया है, सबसे आसान तरीका ही रहेगा इसका बनाने का। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहाड़ा याद कर लें, स्क्वायर याद कर लें, क्यू याद कर लें। कुछ प्रश्नों के साथ फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।